हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या अर्जेंट मैसेज है ईश्वर की तरफ से आपके लिए। ओके, वही हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, देख लेते हैं ईश्वर के संदेश आपके लिए क्या हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है। न्यू विजन, पास्ट लाइफ, ट्रैवलिंग, द ड्रीम, फ्लावरिंग। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दिया है। बॉटम ऑफ डेक आया एडवेंचर, आई होप कार्ड विजिबल होंगे। सो ईश्वर के क्या अर्जेंट मैसेज हैं, ईश्वर के अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही हैं कि एक नया नज़रिया लेके आओ। अब तक जिस तरीके से सोचा, जिस तरीके से चले, जिस तरीके से सिचुएशन को देखा, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इवन अभी तक अगर आपको ये था कि मेरे अंदर इतनी ही क्षमता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कोई भी काम को लेके, अगर आपको ये था, अपनी ही आप काबिलियत पे शक कर रहे थे, या आपको ये था कि नहीं ये काम मेरे बस की बात नहीं है, या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, ये पोजीशन मेरे लिए नहीं बनी है, तो एक नज़रिया ही होता है हमारा, है ना, किसी भी चीज़ को देखने का, और उसी के बेस पे फिर हम एक्शन ले रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ ऐसे जो लोग हैं ना, जो आपको काफ़ी टाइम से बुली कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए जहर उगल रहे हैं, आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मुंह पे मीठा बन के दिखाते हैं, आपके शुभचिंतक बन के दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपके लिए जहर उगलना या आपके लिए गड्ढे खोदना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि ये मेरी फैमिली का ही इंसान है और इससे मैं चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है, माना आप उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन उससे एक डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही सकते हो ना। यही आपको ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता चल गया है कि वो आपका अच्छा नहीं सोचता, वो आपके लिए अच्छा कभी बोल नहीं सकता, वो आपके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकता, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक फैमिली में तो हो, लेकिन आप दोनों का जो है एक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आप क्यों ना उस व्यक्ति को, जब आपको पता चल गया तो क्यों ना आप उस व्यक्ति से अलग हो जाएं, क्यों ना आप उस व्यक्ति से, ये नहीं कि परमानेंट अलग हो जाओ, उससे अलग ही रहने लगो, जितना हो सके उससे दूरी मेंटेन करो, जितना हो सके अपने जो आपके पर्सनल सीक्रेट्स हैं या जो आप करना चाह रहे हो या जो भी कुछ आप अचीव कर रहे हो उससे ना ही शेयर करो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके बोलने से आप अच्छे के लिए बता रहे हो, लेकिन उसकी ऐसी नज़र है, उसकी ऐसी बुरी नज़र है कि आपका बनता बनता काम ना वो बिगड़ जाए। तो बेहतर है कि ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही चाहिए। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना इस व्यक्ति से दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, इससे दूरी बनाओ वो ज़्यादा बेहतर है। अपने सीक्रेट इस व्यक्ति के सामने ना ही खोलो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आप ये कुछ करना चाह रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा बचाने की ज़रूरत है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस व्यक्ति की
जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी है, इसकी बुरी नज़र है, बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र है। ये काली ज़ुबान का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहते नहीं है कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, ये एकदम से टोक लगा दे। तो ऐसे व्यक्ति से ना आपको दूरी ही बनानी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा सा ना बाहर घूमो फिरो, ये चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके नेचर के साथ जुड़ने का ट्राई करो, तो उससे ये होगा कि आपके अंदर ना एक बैलेंस आएगा, ठीक है। अभी आपको ना ये चीज़ कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा दुनिया का देखो, ठीक है। अपनी ही उस बाउंड्रीज में मत रहो, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कंपैरिजन मत कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी साइड से अच्छा कर रहे हैं। तो कभी भी ना दूसरे के काम को देखे कि दूसरा मुझसे आगे निकल गया या दूसरा मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उस चीज़ में मत जाओ। आपकी जर्नी आपकी जर्नी है, दूसरे की जर्नी उसकी जर्नी है। तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो कि मैं उससे अच्छा नहीं हूँ या मैं उससे अच्छा कर रहा हूँ। दोनों ही सूरत में मैं बोलूँगी कि आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर जितना हो सके ना किसी से अगर गाइडेंस आपको मिल रही है, सीखो, लर्न करो, ओके। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके ना अपने आप को ओपन अप करो कि हाँ, जो भी कहीं से भी मुझे ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी मुझे कोई ऐसी बात सीखने को मिल रही है, ऐसी कला सीखने को मिल रही है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। खुद को ब्लॉक मत करो। कोई भी कला हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं रही थी, लेकिन सडनली आपको मौका मिल रहा है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, तो उसमें ना मत खींचिए। ना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सीखने की ज़रूरत है। और कोई चीज़ अगर आपको ये लग रही है कि ये असंभव है, ये मेरा एक ड्रीम है, मतलब कोई पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या किसी से शादी का मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई जॉब हो सकती है, या कोई पोजीशन हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा है जो आपका सपना है, लेकिन आपको ये चीज़ लग रही है कि नहीं, ये मेरी जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से वो चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ पॉसिबल है अगर आप ट्रस्ट रखो, अगर आप फेथ लगाओगे ना, हर एक वो चीज़ पॉसिबल है मिलना जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। फिर चाहे कोई पार्टनर हो, किसी भी इंसान को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते आते हो, या आपकी कोई ड्रीम जॉब है, या आप किसी जगह पर घर लेना चाहते हो, कोई आपको एरिया पसंद हो वहाँ पे आपको घर लेना है कि हाँ यहाँ पे मेरा घर होना चाहिए, या मुझे इस तरीके की गाड़ी चाहिए, या मैं इस तरीके का लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, तो एक्स वाई जेड जो भी आपकी चीज़ है ना, जो भी आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो अभी तक ड्रीम में है तो उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करो ताकि वो रियलिटी में आ सके। अगर आपका सपना है ना तो उसमें अगर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं लगाई है ना तो वो लगाना शुरू करो, जिससे वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो, जल्दी आप उससे अलाइन हो और वो आपके पास हो चीज़ें। साथ ही आपके लिए ना एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल मैं देख रही हूँ। और अपनी ना हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, ईश्वर की आपके लिए गाइडेंस है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर बेसिकली फोकस कीजिए, अपने आप को निखारने में, अपने आप को संवारने में, ठीक है। ये मैं लड़कों के लिए भी बोलूँगी, लड़कियों के लिए भी बोलूँगी। बाहर की दुनिया पर फोकस करते करते कभी कभी क्या होता है कि हम खुद पर फोकस नहीं करते। बेसिकली सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आप करवाना चाहते हो, काफ़ी टाइम से करवाया नहीं है, अपने आप को पैम्पर करो, वो चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे। शॉपिंग करना चाहते हो शॉपिंग करो, अपना टाइम मी टाइम निकालो, ठीक है, घूमो फिरो बाहर, ताकि आप ना नेचर से कनेक्ट हो सको, ओके। नेचर से कनेक्ट हो गए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो गए, तो कहीं ना आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। कभी कभी क्या होता है ना, बाहर निकलने से, दुनिया को देखने से भी ना हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, ओके। तो घर में बंद होना, तो घर से बाहर निकलो। अगर नए फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं तो नए फ्रेंड्स बनाने का ट्राई करो। काफ़ी टाइम से ट्रिप पे नहीं गए ना, तो ट्रिप पे जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करो जो काफ़ी टाइम से नहीं किया है, जैसे अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है। लड़कियों के लिए पार्लर जाओ, ठीक है। तो अपने आप को पैम्पर करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, और जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ पे वो टेक्निक लगाओ जो आपको ईजी लगे, कोई सी भी टेक्निक ले लो। और साथ ही आप वो बना सकते हो, विज़न बोर्ड बना सकते हो,
ओके वो भी चीज़ मुझे चैनल हो रही है। आप एक अच्छा सा विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए एंड उसमें अपनी विश को लिखिए, कि वो भी एक है मैनिफेस्ट करने की टेक्निक है, तो आप उसमें वो सब चीज़ें लिखें, किसी इंसान के साथ शादी करना या कहीं पे घूमना फिरना, ठीक है, कहीं पे शिफ्ट होना, जो भी चीज़ है, जो भी आपकी जॉब है या जो भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उस विज़न बोर्ड में लगाइए, लिखिए एंड उसको अपने स्टडी टेबल के पास रखिए या जहाँ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर रखिए एंड यही चीज़ें विजुलाइज़ कीजिए कि वो चीज़ आपके पास है। थोड़ा सा ना प्लेफुलनेस की एनर्जी में आइए, इंजॉय कीजिए। बेसिकली आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को ना ज़्यादा बांधो मत, अपने आप को ना इतना मतलब लो फील मत कराओ, खुद से खुश रहने का ट्राई करो, ठीक है। खुद से खुश रहने का ट्राई करोगे ना कहीं आपकी एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे, आपको नींद अच्छी आएगी और हंसने के मौके ढूंढिए, स्माइल करने के मौके ढूंढिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर वक्त दूसरों पे ही डिपेंड रहो कि दूसरे खुशी देंगे, दूसरे तारीफ़ करेंगे तभी हम खुश होंगे, तो वो सब चीज़ें आप मत कीजिए। ओके और देख लेते हैं, अपनी लाइफ में ना एडवेंचर लेके आओ, अपनी लाइफ में ना खुश होने की वो सब चीज़ें लेके आओ जो आप करना चाहते हो। ओके अपनी लाइफ में ना वो सब चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिलती है, फिर डांस करके हो, पेंटिंग करके हो, फ़ोन चला के हो, अपनी नींद पूरी करने से आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी नींद पूरी हो गई, एक दो घंटे में सो लिया, मेरी नींद पूरी हो गई तो मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, माइंड रिलैक्स हो गया। तो जो भी चीज़ें हैं, टीवी देखना हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए ये हो सकता है कि मूवी देखना पसंद हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करे, जो आपको ना बेसिकली कंफर्ट दे, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अच्छा टाइम स्पेंड करो, आपके ईश्वर कह रहे हैं अपने आप को ना इतना ज़्यादा बांधो मत। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना बेवजह का बर्डन नहीं लेना है, बेवजह की ना वो जिम्मेदारियाँ मत लो जो आपकी नहीं है। ओके जिस चीज़ पर आपको नो बोलना है तो उस चीज़ के लिए नो बोलिए। बेसिकली ये जस्टिस कार्ड ये कह रहा है कि अपने साथ जस्टिस करो, दूसरों के साथ करते करते ना अपने साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनजस्टिस कर रहे हो, कि दूसरों का बोझ है, दूसरों का काम है अपने सर पे ले लिया, फिर भी आपको भलाई नहीं मिल रही, फिर भी आपको लोगों से ताने ही सुनने को मिल रहे हैं, फिर भी लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, फिर भी लोग आपके लिए जहर उगल रहे हैं, तो क्यों इतने सीधे साधे बन रहे हो, क्यों इतनी चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से ये चैरिटी हो गई है, एक तरीके से मैं कहूँ अपना ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ाने के लिए आप ये तो सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं इसके लिए ये कर देता हूँ या इसकी गुड लिस्ट में आ जाऊँगा या जो मेरा नेचर है हेल्प करने का कोई बात नहीं कर देता हूँ, अब उसके लिए मैं अपना नेचर थोड़ी बदल लूँगा, जिसको जो बोलना है बोलने दो भाई, क्यों आप क्यों अपना खुद का इस्तेमाल होने दे रहे हो बेवजह का। ओके तो वो एनर्जी अपने आप पे लगाओ ना, अपने ऊपर लगाओ, अपने आप को निखारो, अपने आप को संवारो। बेसिकली आपके ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बेवजह का अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना, अननेसेसरी बोझ लेना कोई फ़ायदे का नहीं है, भले ही उससे आपको ये चीज़ लग रही है कि हाँ मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज बुराई कर रहे हैं कल तारीफ़ करेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपना नेचर कैसे बदल सकता हूँ, कोई नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है तभी तो वो कह रहा है कि भाई दूसरों पे क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो एनर्जी, वही एनर्जी अपने टैलेंट पे लगाओ, वही एनर्जी आप जहाँ आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ करने में अच्छा लगता है उस पर लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने साथ जस्टिस करो, अपने साथ गलत मत होने दो। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सुन ली लोगों की, बहुत सुन लिए लोगों के ताने, बहुत सुन ली कि लोग क्या कह रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आओ, वो फ़ोन की दुनिया से बाहर आओ, बाहर घूमो फिरो, नए लोगों से मिलो, नए फ्रेंड्स बनाओ, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे जो वो होते हैं ना ग्रुप, उन्हें ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, कुछ भी सीखने को भी मिले जहाँ आपके लोगों से इंट्रैक्शन हो सके। आपने ना जो भी टेंशन ले रखी है ना ये दूसरों की ले रखी है, आप खुद में इतने ब्लेस्ड पर्सन हो ना कि आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। नाइन ऑफ कप से मैं यही कहूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है, और जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं ना, जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते अपने आगे, तो उन लोगों को छोड़ दो ना, क्यों उन लोगों के बारे में सोचना है या क्यों सोचना कि भाई मुझे बना कर चलनी चाहिए, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, अपना कर्मा नहीं खराब करना है, ये है वो है, फालतू की बातें मत सोचो।
ठीक है, आप मास्टर हो, आप माहिर हो, बस ये है कि चीज़ों को नई तरीके से देखना शुरू कर दो। आई एम सॉरी गाइस, बैकग्राउंड साउंड का मैं कुछ नहीं कह सकती। अपने अंदर बैलेंस लेके आओ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो वाकई आपके सोलमेट हैं, ओके, अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी हैं, जो सच में आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो सच में आपके दुख में दुखी होते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। आप ऐसी चीज़ें ज्वाइन करो जैसे आपको डांस करना पसंद है, वहाँ लोगों से मिलोगे, आपको बाहर घूमना पसंद है, वहाँ लोगों से मिलोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करो, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी से जुड़ो जहाँ पे आपका लोगों से इंट्रैक्शन हो सके, ओके। और आपको इस पावर में आना है, इस पावर में आना है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, उनको आप उनकी जगह दिखा सकें, ना कि खुद को आपको लाचार बनाना है, ना कि खुद को आपको बेचारा बनाना है। आप में इतनी पावर है, आप मास्टर बन सकते हो, आप में इतना टैलेंट है। और ये जो बेवजह का लोगों का जो बोझ लिए घूमते हो ना, वो चीज़ें बंद कर दो, नो कहना सीखो, अपने साथ जस्टिस करो, अपने आप को टाइम दो, और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ईजिली कर लोगे। विजन बोर्ड का है जो मैंने बोला था ना, वो चीज़ करके देखो, इजीली आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि आप गॉड के, ईश्वर के सबसे अच्छे बच्चे हो, ओके। क्योंकि उन्होंने आपको ब्लेस्ड पर्सन बनाया है, और कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आपको गाइडेंस मिल रही है, सिंबल्स के थ्रू, साइन के थ्रू, कैसे भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। और देख लेते हैं, ये ऑलरेडी कार्ड्स शफल हैं तो ऐसे ही देख लेते हैं। लेट गो कर दो, यू आर रेडी, आप रेडी हो। आस्क योर एंजल्स, नॉट द राइट टाइम। किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहा जा रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, बहुत सारे आ गए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऐसे लोगों से जुड़ो जो मैंने आपको कहा भी था, ऐसे लोगों से जुड़ो जिनसे आपको मिलके कुछ अच्छा ही फील हो, जिनसे मिलके आप कुछ सीखो ही। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे आप, और कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो। साथ ही आपके लिए यस आया है, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए किसी चीज़ के लिए यस कहा जा रहा है, किसी चीज़ के लिए नो कहा जा रहा है। नो जो मैंने आपको बोला कि लोगों को मना करना सीखना होगा आपको, कि सॉरी बट मैं आपको अब और ज़्यादा अपना यूज़ करने नहीं दूंगा, मैं अब आपको और ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। नो करना सीखो, अननेसेसरी दूसरों का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। और यस से मुझे ये है कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए यस है, और किसी ने भी आपको हर्ट किया है ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी। जैसे कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने में टाइम लगता है ना, ऐसे ही आप हील हो जाओगे, ठीक है। अगर अभी भी आप किसी ट्रॉमा में हो कि मेरे खिलाफ़ जहर उगला गया, या मैं इस वजह से बाहर नहीं जा रही कि फालतू में लोग बातें बनाएंगे, कुछ ना कुछ हुआ हो, ठीक है, मुझे नहीं पता किसी की सिचुएशन क्या है, तो उससे आपकी रिकवरी, उससे आप हील हो जाओगे। और ऐसा हो सकता है कि आज कल आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखता हो, ओके। और यस और नो दोनों का ही मीनिंग मुझे समझ आ गया, और मैंने आपको समझा भी दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो मुझे यही दिख रहा है। अगर आपकी बर्थ डेट की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे 12/3/21/9/18/27 और यहाँ पे 5/14/23 हो सकती है, 10/19/28/1 हो सकती है, ओके। और यहाँ पे मुझे बर्थ डेट दिख रही है 6/15/24/7/16/25, यहाँ पे मुझे यही बर्थ डेट दिख रही है, ठीक है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, मई, जुलाई, और यहाँ पे मुझे जून दिख रहा है, जनवरी हो सकता है, ओके। यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। ज़ोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है, वाटर साइन दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ साइन भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे फायर साइन भी दिख रहा है। तो ज़ोडियक साइन ये सारे ही मौजूद हैं,
स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊंगी। या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।